हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दुबई में, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 3-4 दिन स्पेंड किए हैं सीशेल्स कंट्री में, जो कि अफ्रीका का बहुत ही प्यारा कंट्री है। बाइनेंस वालों के साथ मेरी मीटिंग थी। इससे पहले 2 मंथ पहले मैं तुर्की में गया था, वहाँ पे भी बाइनेंस के साथ टॉप मैनेजमेंट टीम के साथ मेरी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में मैंने क्या सीखा है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली वहाँ पर बहुत सारी वेल्स भी आई हुई थी, जिनके पास 2000 BTC भी थे, ठीक है। और टॉप जो मैनेजमेंट टीम थी, जब हमारी डिस्कशन होती थी तो आपस में क्या बातें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखी है वो ये है कि सबका एटीट्यूड पॉजिटिव था, सही है। मैंने ये नहीं किसी के मुंह से सुना मुझे इतना लॉस हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, सही है। तो उनके क्वेश्चंस किस तरह के होते थे कि आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी क्या होती थी, नंबर वन। दूसरा, सबसे बिगेस्ट ट्रेड तुम्हारी कौन सी गई है। तीसरा, सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट कब हुआ, किस कॉइन में हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, सही है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक्स होते थे, ऐसे नहीं कि डिप्रेस्ड क्वेश्चंस होते थे, सारे पॉजिटिव थे। दैट्स वाई वो वर्ल्ड में 1% है ओनली पीपल, सही, इस एटीट्यूड की वजह से। ये एटीट्यूड आप कैसे डिवेलप कर सकते हो, उसमें सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। जो बंदा ये कहता है ना, यार मुझे 4 साल हो गए इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में, सही है, तो वो वहाँ पे सीखना वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, जो अपने आप को कुल्ले आल समझता है। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैंने तुर्की में इनकी बाइनेंस ब्लॉकचेन 2 मंथ पहले जो मीटिंग है वो अटेंड किया है, मैंने अभी यहाँ पे किया, मैं स्टिल सीख रहा हूँ। मैंने एज ए लिसनर पार्टिसिपेट किया है उसमें, मैंने वेयर्स को सुना है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, वो वक्त के साथ साथ मैं आपको रिवील करूँगा, क्योंकि सारी बातें एक जगह पे मैं बताऊँगा तो फिर वो मसला हो जाएगा, सही है। तो हो सकता है फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ी। मैं वीडियोस में ऐसा ऐसा सारी इन्फॉर्मेशन रिवील करूँगा कि वेयर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, सही है। तो यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। तो मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीख के ट्रेड करेंगे तो पेशेंस इन राइट डायरेक्शन होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप मजबूरी में पेशेंस करेंगे कि कॉइन ले लिया, वो फंस गया, आप कहेंगे मैं तो पेशेंस रख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता हूँ मेरी क्रिप्टो नोट्स कम्युनिटी में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आएँ, सही है। कैन यू इमेजन कि वो जो वेव्स, कोई 21 साल का लड़का है, कोई 25 साल का लड़का है, कोई 30 साल का है, कोई 45 साल का है, सही है, और वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्री थे, कोई यूरोप में है, कोई मोरक्कोश में है, कोई दुबई में सेटल्ड है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। अब इनसे जब बात करके आपको, आपका जो विज़न होता है ना, आपका विज़न एक वाइड होता है, वो मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ। मेरी आने वाली वीडियोस में यही डिस्कशन होगी, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ है इस चैनल के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।